हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको जो मॉक टेस्ट हैं ओली बॉल की साइट पे या उनके ऐप पे, तो वो उसके लिए रजिस्टर कैसे करना है, ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है और मॉक टेस्ट जो है वो परचेज कैसे करने हैं। तो आप सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है ओली बॉल। तो ओली बॉल सर्च करोगे तो उसको डाउनलोड कर लेना है उस ऐप को। तो इस तरह का लोगो बन के आएगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड होने के बाद जैसे ये ओली बॉल डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। तो जिसने तो पहले रजिस्टर किया जिन बच्चों ने, तो वो सीधा जाके यहाँ पे लॉगिन पे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल सकते हैं। और अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो आप यहाँ पे जाके इसको रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आप इसमें अपना ईमेल डालोगे, पासवर्ड डालोगे और अपना मोबाइल नंबर डालोगे तो वो साइन अप हो जाएगा। साइन अप कर दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा तो मैंने रजिस्टर किया हुआ पहले से, तो मैं इसको सीधे ही लॉगिन कर लूँगा। तो आप इसको लॉगिन करोगे तो उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप साइड में क्लिक करोगे, आपकी जो मतलब है ईमेल वगैरह सब कुछ इसके साथ आप लॉगिन कर रहे हो तो वो सब आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जेकेएसवी अकाउंट असिस्टेंट के अलावा और भी बड़े सारे जो नेशनल लेवल पे एग्जाम्स होते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको मिल सकते हैं। जैसे SSC CGL है, SBI क्लर्क है, SEBI है, RBI ग्रेड बी है, फिर उसके बाद LIC है, EPFO है, SBI PU है, NABARD, RRB, उसके बाद RBI असिस्टेंट, तो इन सबके SSC रेलवे ग्रेड, तो SBI एग्जाम्स के लिए, RBI के लिए, तो इन सब के लिए आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो अगर आप इनमें से भी कोई परचेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको जो आज के हमारा टॉपिक है JKSSB अकाउंट असिस्टेंट उसके मॉक टेस्ट कैसे वाई करने हैं, तो यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको टेस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट में आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा दिख जाएगा जेके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का। तो इसमें आपका है 10 मॉक टेस्ट है और 60 सेक्शनल टेस्ट है। तो आप इन दोनों को भी बाय कर सकते हो। तो इसके ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है जेके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट 1, ये मॉक टेस्ट हैं इसके 10 और ये है इसके सेक्शनल टेस्ट। तो आपको अगर मॉक टेस्ट बाय करने हैं तो आप मॉक टेस्ट बाय कर सकते हो। अगर आपको सेक्शनल टेस्ट बाय करने हैं तो वो भी ये दोनों अलग अलग से कर सकते हो। और अगर आपको मतलब दोनों बाय करने हैं तो आप दोनों भी कर सकते हो। तो बाय करने के लिए आपको इस पे क्लिक करो। तो अगर आपने परचेस नहीं किया तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको, प्लीज़ परचेस दिस आइटम टू अनलॉक इट। तो इनको अनलॉक करने के लिए आप इनको परचेस कर लीजिए। तो आपको जस्ट श्योर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको इंटरफेस खुल जाएगा आगे। तो आपका खुल जाएगा इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलेगा। तो आप यहाँ से वाई कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ जेके मॉक टेस्ट खरीदने हैं तो वो आपको पड़ेंगे 4499 के। अगर आपको सिर्फ सेक्शनल टेस्ट खरीदने हैं तो 498 के पड़ेंगे आपको। और अगर आपको दोनों खरीदने हैं तो वो 999 के पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप कूपन कोड डाल सकते हो। मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ, SSS डालोगे आप, सॉरी तो इसमें SSS साथ में आएगा, साथ में आएगा तो SSS डालोगे तो ये आपको पड़ जाएगा 399 का, ठीक है। तो इस सबसे आप इस तरह से आप इसको कूपन डाल के कूपन रिडीम कर सकते हो, कूपन कोड डाल के, और आप इसको यहाँ से वाई कर सकते हो। थैंक यू गाइस, जो भी इसको बाय करना सकता है, अगर मॉक टेस्ट को सिर्फ बाय करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। अगर आपको यहाँ पे करना है सेक्शनल टेस्ट भी बाय करना है तो आप दोनों को यहाँ से कर सकते हो। और अगर सिर्फ सेक्शनल टेस्ट ही बाय करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जिसको जैसे भी जो भी बाय करना है वो कर सकता है। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही।